अस्सलाम एवरीवन, आप जरा बेगैरती, बेशर्मी, जलालत और ईमान फरोशी की इंतहा चेक करें कि ये आदमी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आदमी आप चेक करें इसकी बेगैरती, ये देखें, ये आदमी, ये आदमी कह रहा है कि 22 करोड़ आवाम इसके साथ है, 22 करोड़ आवाम जो है ना इसको ये दिखाती है, ये दिखाती है। हम लोग इमरान खान के खातिर बाहर रोडों पे घूम रहे हैं और ये बेगैरत का बच्चा पीएम बन गया, जिसकी यार फर्दे जुर्म आयद होनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस्म के मुसलमान हैं, हम किस किस्म के इंसान हैं कि हमें एटलीस्ट, हम जो यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनको इतना एहसास नहीं, इतनी गैरत नहीं कि हमारी, हम आवाम ने, हमने इमरान खान को चूज किया था और 4-5 टट्टू बिकने के बाद हमारे ऊपर ये चोर डाकू लगा के बिठा दिया आप लोगों ने। थू है आप लोगों पे, आप लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं इसका पूरा इजलास देख रही हूँ सुबह से अब तक, इसके अंदर कितनी नाइंसाफियां हुई हैं हक और ईमान के साथ। बताएं आप लोग अपने जमीर को जगा के बताएं कि ये गलत नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह उसके रसूल को? अब हम रोडों पे निकली रही, सारी रात निकली रही इमरान खान के हक के लिए। ब्लैकआउट कर दिया गया, लोगों ने मोबाइल ऑन कर लिए, मैं गवाहों में वहां थी। और ये इधर पार्लियामेंट में खड़ा होके ये बुढ़ा, ये चेरी ब्लॉसम, ये खबीज, ये करप्ट आदमी क्या खड़ा होके कहता है कि 22 करोड़ अवाम का भला किया इसने, 22 करोड़ अवाम इसके साथ थी। ना लाते आप लोगों पे, जमीन फरोशों की अगर कोई शक्ल होती ना तो वो पाकिस्तानों, पाकिस्तान की जो आला अदलिया बैठी हुई ना वो होती। नवाज शरीफ के घर की रखेल है हमारी सुप्रीम कोर्ट। हद कर दिया आप लोगों ने बेगैरती और बेइंतहा की। क्या होगा अगर आपको लग रहा है ना कि आप लोगों ने बड़ा तीर मार दिया, अब आवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अमेरिका आप क्या करेगा? अमेरिका ने आपको छोड़ दिया, ये जो डॉलर 8 रुपए नीचे आया ना, ये इनका बाप जो वहां बैठा है ना चोर चक्का, उसने भेजे पैसे वापस। हम पाकिस्तानियों का जमीर बेच दिया आप लोगों ने। क्यों है आप लोगों पे?